और ये साई की मजार है हमारे पास गांव में, माशाल्लाह है मन्नत मनाने के लिए, तो इसको आवाज़ से जरूर मस्जिद भी पड़े हुए हैं, कोई भी आता है तो कुरान बस भी है, कोई कुल वगैरह पड़ता है तो उस हिसाब से यहाँ पे बैठने का भी बंदोबस्त है। साई की मजार ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं आज विलेज की रूटिंग के विलेज कैसी है हमारी, और मैं अपनी विलेज का आपको टूर कराता हूँ। और यहाँ पे हमारे गांव में एक दरगाह है और उस दरगाह की विजिट करवाता हूँ आपको कि हमारे गाँव में दरगाह कौन सी है। तो अभी जा रहा हूँ मैं घर से निकल के कब्रिस्तान की तरफ, कब्रिस्तान में दुआ वगैरह मांगूंगा और उसके बाद फिर होटल वगैरह पे थोड़ा दोस्त आ रहे हैं वहाँ पे गपशप लगा के गांव का माहौल आप देख सकते हैं किस तरीके होता है पूरा। तो दोस्तों मैं कब्रिस्तान आ चुका हूँ और माशाल्लाह ये हमारा पूरा कब्रिस्तान है। कराची से मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ पे दुआ वगैरह मांगना, कब्र पे आना, यहाँ पे कब्रिस्तान में चक्कर लगाना मेरी रूटीन होती है और मेरी कोशिश होती है कि कब्रिस्तान में चक्कर लगा लूँ। आज गर्मी बहुत यहाँ पे गाँव में ज़्यादा है और टेम्परेचर बहुत हाई है। माशाल्लाह ये तुमने तो जबरदस्त काम किया है। हाँ बहुत ही जबरदस्त, ये तो सवाब का काम है ना यार। हाँ जी जी। तो भाई ये यूनुस भाई है यहाँ पे कब्रिस्तान में होते, माशाल्लाह यहाँ की देखभाल करना, यहाँ की मेंटेनेंस करना, यहाँ पे साफ सफाई करना, ये पूरा माशाल्लाह ये काम करते हैं और ये पूरी यहाँ की जो भी सफाई वफाई होती है तो ये यूनुस भाई के जिम्मे, और अल्लाह ताला ने इसको चुना है कब्रिस्तान की सफाई वगैरह के लिए। बे खैरा बात, तबीयत सही है तुम भी? और ये साई की मजार है हमारे पास गांव में, माशाल्लाह ये देखें पूरा। यहाँ पे भी सफाई वफाई करते हो ना तुम? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और साई की मजार है, यहाँ पे दुआ वगैरह मांगते हैं, कुल वगैरह पढ़ते हैं, कोई भी आता है मन्नत मनाने के लिए तो इसको आवाज से जरूर वो करता है। और यहाँ पे कुरान मजीद भी पड़े हुए हैं, कोई भी आता है तो कुरान शरीफ पढ़ता है। और यहाँ पे बैठने का बंदोबस्त भी है, कोई कुल वगैरह पड़ता है तो उस हिसाब से यहाँ पे बैठने का भी बंदोबस्त है। साईं की मजार अभी हम भी दुआ मांगते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं तो इनके वास्ते अल्लाह ज़रूर हमारे सुनेगा। तो अभी दुआ मांगते हैं और फिर देखते हैं आगे की रूटिंग, की आज की हमारी आगे की रूटिंग जो है वो कैसे रहेगी। अभी दुआ मांगते हैं और फिर चलते हैं आगे इंशाल्लाह। और गर्मी खुद देख रहे हैं कि कितने पसीने आ रहे हैं गाँव में, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है गाँव में और बहुत ज़्यादा गर्मी। नहीं नहीं ये बड़े हो जाएंगे भाई, ये जब बड़े हो जाएंगे तो इसका जो है ना माशाल्लाह, और बहुत अच्छे पेड़ हैं ये ना, ये इसकी हवा बहुत जबरदस्त होती है, छांव इन्हें छांव जबरदस्त थी दिया, ये जब मैं वड़ा थी ना इन्हें छांव जबरदस्त थी दिया। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नलको भी लगे लाए थे जो इतने पानी भी इन्हें अच्छे, तो सही सही। तो भाई मैं आया था कब्रिस्तान और दुआ ये यहाँ पे दुआ वगैरह मांग ली है साईं के दरगाह पे, वाले साहब की कब्र पे, और जो अपने अजीज अकार अकारब थे और जो दूसरे हैं सबके लिए मगफरत की दुआ फरमाई है। और यहाँ पे मुझे यूनुस भाई मिले, यूनुस भाई माशाल्लाह यहाँ पे होते हैं, देखभाल करते हैं कब्रिस्तान की और साईं की दरगाह की देखभाल करते हैं। तो माशाल्लाह जब भी मैं कराची से आता हूं तो इनसे मुलाकात मेरी ज़रूर होती है, क्योंकि इस धूप में इस गर्मी में और कोई देखभाल कर नहीं सकता, तो ये वाहिद बंदा इस गर्मी में भी होता है और यहाँ पे पेड़ वगैरह भी लगाता है, जो नल वगैरह ख़राब हो जाता है उसकी मेंटेनेंस भी करता है। तो अभी जा रहे हैं हम, यूनुस भी जा रहा है, इसको चाय वाय पिलाते हैं होटल पर और फिर देखेंगे आगे की रूटिंग, की आगे की हमारी रूटिंग कैसी है। तो दोस्तों कब्रिस्तान से होके मैं सीधा घर पे ही आ रहा था, तो रास्ते में मुझे बेटी मिल गई और बेटी को मैंने कुछ चीज़ें लेके दे दी और घर के लिए थोड़ा सा सामान वगैरह आइस वगैरह लेके आ गया, क्योंकि यहाँ पे बिजली का बड़ा मसला चल रहा है, क्योंकि फ्रिज वगैरह काम नहीं करे, कभी लाइट होती है कभी नहीं, बाकी सोलर पर तो ये चीज़ें होती नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा क्योंकि आज बहुत गर्मी है यहाँ पे गांव में, बहुत गर्मी है। आप देख सकते हैं ये बेचारा गधा भी खड़ा हुआ है, ये कुत्ता बेचारा नाली में बैठा हुआ है ठंडक की वजह से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नए व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।